हेलो फ्रेंड्स, मैं डिंपल और स्वागत है आपका डिंपल ड्रीम्स में। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि इस वक्त जैसे कि बाहर कुछ मिल नहीं रहा है हमें, तो आप किसको मिस कर रहे हैं? बिल्कुल, आप मिस कर रहे हैं पानीपुरी को, मिस गोलगप्पा या पुचका, बहुत सारे नामों से हम इसे जानते हैं। झारखंड में भी बहुत सारे नाम यहाँ पॉपुलर है, तो आज मैं वही पानीपुरी की रेसिपी लेके आई हूँ। पानीपुरी की पूरी कैसे बनानी है, जो सबसे लेंथी प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है, बट वो मेहनत जब सक्सेसफुली डन हो जाता है तो बहुत ही मजा आता है, एंजॉय लगता है इसे खाने में। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, पानीपुरी की पूरी हमें कैसे बनानी है। फ्रेंड्स, आज मैं सबका फेवरेट गोलगप्पा बनाने जा रही हूँ। सबसे प्रॉब्लम होता है गोलगप्पा बनाने में, उसकी जो पापड़ी है वो सही नहीं बनती है, बट जिस मेज़रमेंट से मैं बना रही हूँ उस मेज़रमेंट से आपके सारे गोलगप्पे फूले फूले बनेंगे। तो मैंने लिया है यहाँ पे 3 कप आटा, नॉर्मल आटा, गेहूं का आटा लिया है मैंने, जिससे हम रोटी बनाते हैं रोज वही आटा है। तो इसमें डालना है सूजी, 3 कप मैंने लिया है आटा, तो इसमें 1.5 कप डालते हैं सूजी। सूजी अगर बहुत ज़्यादा मोटी वाली है तो थोड़ा सा सूखे ही मिक्सर जार में चला लीजिए। मैंने थोड़ा सा एक बार इसमें ग्राइंड कर लिया है क्योंकि ये थोड़ी मोटी वाली सूजी थी। उसके बाद इसमें डालते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर इसमें डालना है। 3 कप आटा में मैंने 1.5 कप लिया है सूजी। मेज़रमेंट आप किसी भी एक कप को या कटोरी को फिक्स कर लीजिए, उसके मेज़रमेंट से डालने पर आपको आराम होगा। थोड़ा सा इसमें डालते हैं नमक, अगर आपको नमक पसंद है पापड़ी में तो नमक का यूज़ कीजिए, नहीं तो फिर मत डालिए। मैं थोड़ा सा नमक इसमें डाल रही हूँ और इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें डालते हैं पानी, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि इसमें सूजी का यूज़ किया है मैंने, सूजी बहुत ज़्यादा पानी पीता है तो इस वजह से सूजी की वजह से थोड़ा सा पानी लगेगा, लेकिन हमें आटा थोड़ा सख्त चाहिए, तो सख्त आटा में चाहिए, तो इसके लिए हम आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट ही गूंदेंगे क्योंकि जब सूजी इसमें फूल जाएगा तो ये ऑलरेडी आटा सख्त हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके चलिए हम थोड़ा सा मीडियम सॉफ्ट आटा गूंद लेते हैं। फ्रेंड्स, आटा मैंने लगा के रेडी कर लिया, आटे को बहुत अच्छे से गूंदना है, बहुत देर तक थोड़ा इसको लगातार गूंदते रहना है प्रेस करते करते। तो आटा अभी थोड़ा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बट इसको रेस्ट टाइम देना है 30 मिनट्स के लिए, तो सूजी जब फूल जाएगा तो ऑलरेडी थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तो इसको हम कवर करके अच्छे से रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है, आटा को मैंने सेट होने के लिए रख दिया था, पहले से ये थोड़ा टाइट भी हो गया है। तो अब इसके हम एक लोई निकाल लेते हैं, लोई की साइज़ आपको उतना ही रखना है जितना आपके चकले या प्लेटफॉर्म में आप मैनेज कर सके। तो चकला मेरा छोटे साइज़ का, इस वजह से मैं डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में ही कर रही हूँ क्योंकि इसकी पूरी थोड़ी बड़ी बेलनी है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ले लेते हैं और फिर से इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं लोई को, और बाकी जो आटा बचा है उसको ध्यान से हमें कवर करके रखना है, या तो किसी भींगे कपड़े से कवर करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो ड्राई नहीं होना चाहिए, ड्राई होने से ही वो ख़राब हो जाएगा। और फिर इसे हम अच्छे से बेल लेते हैं, पतला हमें इसे बेलना है। देखिए इस टाइप से मैंने बेल के रेडी कर लिया है, आप पतला ही बेलेंगी तो ज़्यादा अच्छा फूला फूला बनेगा, बिल्कुल एकदम पतला नहीं करना है पेपर टाइप से, वरना ये फूलेगा ही नहीं, इसे स्पेस नहीं मिलेगा। आप किसी भी कुकी कटर से अगर आपके पास है राउंड में तो उससे, या फिर नॉर्मली जैसे इस टाइप से छोटे कोई किसी का ढक्कन या फिर कोई छोटा ग्लास है तो उससे आप अपने साइज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ले और फिर उनसे इस टाइप से कट कर ले। इस टाइप से कट करने के बाद एक्स्ट्रा आटा जो उसको हम निकाल लेते हैं सावधानी से, और फिर जो आटा हम लोगों ने रखा है ढक के उसी में इसको मिक्स करके रख देते हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, जब इसमें पानी पूरी गोलगप्पे हम डालें तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर अगर सही नहीं होगा तेल का तो फिर पापड़ी बन जाएंगी, वो फूलेंगी नहीं गोलगप्पे। तो जब तेल अच्छे से हीट हो जाए तो इसमें हम एक एक करके डालते हैं पूरियों को, और एक डालने के बाद इसे थोड़ा सा हमें छन्नी से प्रेस करना है तभी ये फूलेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये फूल गए हैं, तो इस टाइप से ध्यान रखना है कि एक बारी में ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ज़्यादा हम अगर डाल देंगे एक बारी में तो फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा उन्हें प्रेस करने का। तो 1 बाय 1 इस टाइप से प्रेस करते करते सारे गोलगप्पे को डालते हैं और फुलाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से गोलगप्पे फूल रहे हैं। तो आप अपने टेम्परेचर को अच्छे से मैनेज करते हुए, कभी लो कभी हाई कभी मीडियम में करते हुए अच्छे से पापड़ी को कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक, ये देखिए आपको पता नहीं कैमरे में अच्छे से पता चल रहा है कि नहीं, बट इसका कलर बहुत अच्छा है, बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है जैसे कि मार्केट में हम खाते हैं। तो उस टाइप से जो जो पापड़ी रेडी हो चुकी है, गोलगप्पे फूल चुके, ये देखिए फ्रेंड्स गोलगप्पे का कलर बहुत अच्छा आ चुका है जैसा कि हमें कलर चाहिए गोलगप्पे का। तो इन्हें अब आसानी से हम इसमें से निकाल लेते हैं सावधानी से और अलग रख लेते हैं। इस टाइप से सारे गोलगप्पे को हम फ्राई कर लेते हैं।
फ्रेंड्स ये देखिए गोलगप्पे रेडी है। ये बिल्कुल मार्केट जैसा बिल्कुल अच्छा सा बना है, टेस्टी सा बना है। कलर भी बहुत ही अच्छा है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ज्यादा गोल्डन कलर या फिर जैसा कलर रखना वैसे ही फ्राई कीजिए। इसको मैं सर्व कर रही हूँ पुदीने के पानी और आलू और काले चने के साथ, सबसे टेस्टी लगता है ये इन्हीं के कॉम्बिनेशन के साथ। तो फ्रेंड्स मैं इसी के साथ बनाना पसंद करती हूँ। तो गोलगप्पे तो रेडी है, नो डाउट। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगता है, थकान भी लगता है, फर्स्ट टाइम में बनना पॉसिबल भी नहीं है बिल्कुल मार्केट जैसा, बट आप फिर भी ट्राई कीजिएगा। आई थिंक ये एक बार में आपसे अच्छा बनेगा। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है, बहुत कुरकुरा बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा, बिल्कुल मोटी परत नहीं है इसमें आई है। ये तो हमेशा क्या होता है कि एक साइड इतना मोटा हो जाता है कि खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरे गोलगप्पे की रेसिपी कैसी लगी है जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, बाय बाय।